जाम की व्यवस्था ऐसी है, बद्दी पहुंचने के लिए ऐसे लगता है जैसे फॉरेन कंट्री जा रहे हैं। तो बद्दी जाने के लिए वो नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है, गडकरी जी आके उद्घाटन करके, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। कटारिया जी ने यहाँ पर दो पैसे का भी काम नहीं करवाया जी। कोई भी अधिकारी जो बात सुनने के लिए और जवाब देने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देखो अर्थ प्रकाश टीवी। आज हम कालका शहर में खड़े हैं। आपको पता है चुनाव लोकसभा के आ चुके हैं और महासंग्राम शुरू हो चुका है, तो हमारे साथ कुछ व्यक्ति जुड़े हैं, इनका विचार जानते हैं। आज से पहले पार्टियों ने क्या किया, कितने कार्य हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे साथ शख्स जुड़े हैं, पहले तो उनका नाम जानेंगे। आपका नाम जी? संतोष कुमार शर्मा जी। संतोष जी, चुनाव आ चुके हैं, ठीक है जी, और काफ़ी मुद्दे रहे हैं, क्या हल हुए हैं, क्या मुद्दे हैं और किसको आप वोट देंगे, किसको चुनना चाहेंगे? एक्चुअल क्या है कि मुद्दे क्या है, हमारे अंबाला लोकसभा क्षेत्र है हमारा जी। यहाँ पे पिछले 10 साल से जी। सांसद भी भाजपा का है, रतनलाल कटारिया जी मंत्री भी रहे, लेकिन जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं थी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। एक भी काम ऐसा नहीं है जो हम बता सकें भी राष्ट्रीय स्तर पे हमारे अंबाला के अंदर कोई काम हुआ हो। मतलब लोगों में डर का माहौल है, लोग उल्टा डरने लग गए हैं, सच्चाई भी नहीं बोलना चाहता। अभी हमने बोला कि आगे डिबेट में ऐसे टीवी चैनल वाले आए हैं, साथ आ जाओ, कोई लोग आना भी नहीं चाहता क्योंकि डर का माहौल है। ईडी जब से केजरीवाल को अंदर करा है, जब से लोग डरने लग गए हैं कि ये जो भाजपा, जो आपने 10 साल की बात की है, 10 साल से पहले क्या विकास हुए और उसके बाद नहीं हुए, उसके बारे में बताएं। 10 साल पहले जी हमारे यहाँ पे बाईपास भी बना जी। कुमारी शैलजा जी उन्होंने बद्दी वाला बाईपास भी पास करवाया था, जब से काम लगा हुआ है आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। जाम की व्यवस्था ऐसी है, बद्दी पहुंचने के लिए ऐसे लगता है जैसे फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मेन यहाँ से जो बिजनेस है, जो रोजगार है हमारी कालका क्षेत्र को, वो परमाणु और बद्दी से ही मिला हुआ है। बद्दी जाने के लिए वो नेशनल हाईवे का काम लगा हुआ है, गडकरी जी आके उद्घाटन करके, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जैसे आपने विकास की बात की है, जैसे बद्दी में विकास है, परमाणु भी इंडस्ट्री है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम वही कह रहे हैं जी, वहाँ पे पहले 450 इंडस्ट्री थी परमाणु के अंदर, हमारे जो बड़ी इंडस्ट्री थी, छोटी इंडस्ट्री की तो बात छोड़ो, आज 88 के आसपास इंडस्ट्री रह गई है, बाकी सारी इंडस्ट्री यहाँ से प्लान कर गई है। तो हमारे मकान खाली पड़े हैं, मेन रोजगार हमें यहीं से मिलता था कि हमने अपने मकान किराए पे दे रखे हैं, या हमारी गाड़ियाँ लगी हुई थी कंपनीज के अंदर, या कंपनी के एम्प्लॉइज आके यहाँ पे दुकानों में परचेज करते थे। अब आप बाजार देखो, सुना पड़ा है। हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपने देखा कि विकास की बात है, इंडस्ट्री ये जो कालका है, ये हरियाणा का लास्ट है, इसके साथ हिमाचल परमाणु लग जाता है, इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। और व्यक्ति मसा जुड़े, पहले तो उनका नाम जानेंगे जी। आपका नाम? मेरा नाम नरेश धीमान जी। जैसे आपको पता चुनाव आ चुके हैं और काफी अभी आप साथ में खड़े, उन्होंने बोला यहाँ विकास नहीं हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो हर 5 साल के बाद आते हैं जी, लेकिन जो वायदे 2014 में किए गए थे कि हम जो है पूरे देश को ऐसा बनाएंगे और ये युवाओं के लिए ऐसा करेंगे, कारोबार के लिए ऐसा करेंगे, वो खासकर अंबाला सीट की बात हो रही है, 10 साल से कटारिया जी आ रहे हैं, क्या विकास नहीं हुए और क्या कहना चाहेंगे आप? कटारिया जी ने यहाँ पर दो पैसे का भी काम नहीं करवाया जी, जो जबकि मोदी जी ने उनको जो है कटारिया जी को यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय दे दिया था जी। अगर कटारिया जी चाहते तो वो है वो भाखड़ा डैम से भी जो है वो पानी की पाइपलाइन यहाँ ले आके यहाँ की समस्या को खत्म कर सकते थे जी। लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसके लिए जो है यहाँ हम सभी बहुत ज़्यादा निराश हैं। हम जो जैसे पैसे पहले पानी के लिए कलपते थे, वैसे आज भी पानी के लिए कलपते हैं, और अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और हफ्ते में एक दिन जो है कट लगना शुरू हो गया है। आप देखो 24 घंटे के अंदर 15-20 मिनट पानी मिलता है हमारे पीने के लिए, और वो भी जो है भाई एक परिवार के 15-20 मिनट पानी जो है वो भरपूर नहीं होता। आपने कहा यहाँ भाजपा की सरकार है, तो इसके बारे में आपने जो अधिकारियों को किसी को कंप्लेंट की? कंप्लेंट करती रहती है जी, कंप्लेंट को कोई अधिकारी सुनने वाले नहीं है जी। अगर उनसे जाके बात करो तो वो कहते हैं कि हमारे पानी नहीं है, हमने उनको यहाँ पे जो प्राकृतिक जल निकल रहा है, हमने उनको वो भी दिखाया भी इस पानी को स्टोर करो या टैंक बढ़ाओ, कहते हैं ये पानी हमारी उसमें लेबोरेटरी फेल है जी। हमने कहा लेबोरेटरी फेल है, इसी पानी को पी के जो हम जवान हुए और हम बुढ़ापे की ओर चल रहे हैं, हम तो मरे नहीं आज तक, कोई बीमारी लगी हमारे को, और आपके सैंपल में ये पानी कैसे फेल है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगले कहते हैं आप हमारी कंप्लेंट जहाँ मर्जी कर लो, आप जो होता है सो कर लो भी, यार हमारे हाथ खड़े हैं सभी महकमों के अंदर।
पानी वाले महकमों के अंदर, नगर परिषद के महकमे के अंदर, किसी महक सरकारी महकमे में चले जाओ, सबके सबका बुरा हाल है। कोई भी अधिकारी जो बात सुनने के लिए और जवाब देने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इन्होंने कहा भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी बात नहीं सुनता, तो आपके साथ ऐसा कुछ? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जी, ये रोड एक साल नहीं हुआ बने हुए इसको, और देखो जिस दिन बन के कम्प्लीट नहीं हुआ था ये रोड, उससे पहले टूट गया था, फिर इसकी रिपेयर भी हो रखी है एक साल के अंदर अंदर। मतलब कितनी एप्लीकेशनें दे ली विधायक जी, जो हमारे यहाँ MLA हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने यहाँ पे रोष प्रदर्शन भी करा, SDM को ज्ञापन भी सौंपा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब भाजपा की जब से सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, जब से किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लिपा पोती होती है जी। मतलब पहले क्या होता था, अगर कोई गलत काम करता था तो उसके ऊपर कार्रवाई तो हो जाती थी, अब कार्रवाई भी नहीं होती। और व्यक्ति मसा जुड़े उनसे जानते हैं, अभी आप यहीं रहते हो, आपका क्या कहना है चुनाव को लेकर विकास के? बोल रहे हैं आप, देख रहे हैं कई व्यक्ति बोल नहीं पा रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि नाला बना हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नाला जो बना है जी, यहाँ पे नाले की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे मेरी उम्र जो है 56 हो गई है, आज तक मैंने कालका के अंदर फ्लड नहीं देखा। अब ये नाले क्यों बनाए गए हैं, ये पैसा ये मनी को वेस्ट क्यों किया गया, हमारे समझ से बाहर है। अदरवाइज जब तक नाला नहीं था तो लोगों की गाड़ियां भी जो है दुकान के आगे तक पहुंच जाती थी, चाहे ग्राहक की हो चाहे दुकानदार की अपनी गाड़ी हो जी। अब गाड़ियां भी जो है बीच अपना नाले से पहले ही खड़ी करनी पड़ती थी, क्योंकि नाले जो है कमज़ोर हैं, छत कमज़ोर है, और कई बार यहाँ तो ये छत टूट जाती है और गाड़ी बीच में धंस जाती है, और उसको फिर उसको बुलाने के लिए, जबकि वो आप देख सकते हैं कि भी यहाँ नाले का कितना बुरा हाल है, ये टूटा हुआ है, और जो यहाँ पर दुकानदार है उनको भी परेशानी कहीं ना कहीं आप देख सकते होगी, क्योंकि पानी कहीं कहाँ जाएगा, नाले से पानी नहीं जाएगा, फिर गाड़ी को निकलवाने के लिए फिर क्रेन मंगवानी पड़ती है। अब देखो एक तो पहली कारोबार नहीं है, जेब पैसे नहीं है, और दूसरे महंगाई चरम पे है। एक देश एक चुनाव तो अच्छी बात है, बार बार चुनाव होते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल के अंदर चुनाव हर 2 महीने में कोई ना कोई चुनाव होता है, वो वहीं पहुंच जाते हैं, देश हित में क्या काम करेंगे, या तो बाहर घूमने जाओ या फिर चुनाव का प्रचार करो, तो उनको तो यही नहीं पता है कि हमारे देश के मुद्दे क्या हैं। अब देश का पिछले 10 साल के अंदर जो बच्चा 7-8 साल का था, 10 साल का था, अब वो 20 साल का हो गया है, अब वो रोज़गार मांग रहा है। पहले तो वो ठीक है नारे लगाते थे जो भी है, लेकिन आज के टाइम में हर बच्चे की उम्मीद है कि हमें रोज़गार दो, और हमारे यहाँ जो आसपास है कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए। HMT के अंदर एक बहुत बड़ी, मतलब एशिया की सबसे बड़ी फाउंड्री है जी। आप यहाँ रॉकेट बना सकते हो, जहाज बना सकते हो, कुछ भी एक इंडस्ट्री ले आओ, हमें नहीं चाहिए नौकरी भी बाहर वालों को दे दो किसी को, तो उससे लेकिन हमारे इलाके के व्यापार के अंदर जो बिजनेस है ना उसमें जान आ जाएगी, क्योंकि जब बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे सामान खरीदेंगे, दुकानदार से दुकान सामान खरीदेंगे, राशन खरीदेंगे, नाई मोची धोबी सबका काम चलेगा। तो उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये इतनी बड़ी फाउंड्री, यहाँ एक एप्पल मंडी बना दिया गया है, बस वो एप्पल तो सिर्फ यहाँ तो पैदा होता नहीं है, वो हिमाचल में होता है 200 किलोमीटर दूर यहाँ से, तो वो 1 महीने का सीजन होता है, और वो भी बाहर के व्यापारी खरीदने आते हैं या बाहर से ही बेचने आते हैं, हमें कोई रोज़गार नहीं मिलता वहाँ से, पल्लेदारी तो करने से रहे हम वहाँ पे जाके, वो भी बिहार UP के बंदे आके वहाँ पे पल्लेदारी करते हैं, तो हमें तो कोई नहीं है, इतनी जगह खाली पड़ी है, तो वहाँ इतनी बड़ी फाउंड्री है उसको यूज़ करें, वहाँ पैटर्न टैंक बनाएं, चाहे कोई भी जहाज बनाएं, चाहे हेलीकॉप्टर बनाएं, चाहे डिफेंस का कोई सामान बनाएं, तो उस फैक्ट्री लगी लगाई है, वहाँ फाउंड्री है, सब कुछ है। तो अब आपने देखा है कि मुद्दे सरकार आती है, वादे करती है, सिर्फ वादे रह जाते हैं, काम कुछ भी नहीं होता, और इसका क्रोध है, रोष है पब्लिक के अंदर, क्योंकि सिर्फ वादे ही हैं, इस बार वोट उसको मिलेगी जो अपने वादे पे खड़ा उतरेगा, क्योंकि मेन मुद्दा विकास का, व्यापार का, यहाँ कुछ नहीं, इंडस्ट्री जो है खत्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश TV, सुनील दत्त के साथ, मेरे सहयोगी राकेश के साथ, नमस्कार।